नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। उधर कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देख जिला प्रशासन ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने का आदेश दिया है। आदेश के बाद कदमा बाजार में हड़कंप मच गई। दुकानदारों का कहना है कि आदेश कदमा बाजार के लिए दी गई है जबकि पूरे शहर में लागू होना चाहिए। वही जिला प्रशासन ने यह आदेश पूरे शहर के लिए लागू किया है। दुकानदार इससे परेशान है कि इतने कम समय में बिक्री कैसे होगा। आदेश मिला है 9 बजे से 2 बजे तक दुकान खोलने का। अब इतना टाइम में क्या करेंगे हम, खोलते खोलते तो घंटा बीत जाता है दुकान। आरआईटी थाना अंतर्गत जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साइट पर रंगदारी एवं फायरिंग बमबाजी के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। इस कांड की गंभीरता एवं चुनौतियों को देखते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसके बाद जगह जगह लगातार छापेमारी कर 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस कांड की संलिप्तता की बात स्वीकार कर ली है एवं उन लोगों के पास से प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल, कार एवं मोबाइल सिम कार्ड बरामद किया गया है। लगभग 10:15 बजे के लगभग आरआईटी थाना क्षेत्र में, जहाँ रेलवे का फैब्रिकेशन का काम चलता है, उसके बाहर सड़क पे कुछ अपराधियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और एक छोटा बम भी फोड़ा गया था। उस कांड का अन्वेषण करते हुए हम लोगों ने एक बड़ा उद्भेदन किया है। इसमें लॉकडाउन के बाद के सिनेरियो में बड़े अपराधी ने एक अपना गैंग बना के कुछ बड़े स्तर पर कुछ करने की चेष्टा की थी। उसके लिए मुख्यतः कृष्णा राव, मनोज सरकार, कार्तिक मुंडा और उसके साथ साथ ये कई सारे इसमें रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और कुछ ज़मीन कारोबारी भी हैं, जैसे शशिभूषण भारती, सुनील ठाकुर। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हार्डकोर नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश दस्ता के हार्डकोर सक्रिय सदस्य पीयूष बिरहोर उर्फ मानिक बिरहोर को एमजीएम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि मानिक बिरहोर एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बाकी गांव में पिछले कई दिनों से छिपकर आना जाना कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के बाद जिले के एसएसपी द्वारा एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश जारी किया गया। वहीं टीम ने छोटा बाकी गांव से नक्सली पीयूष बिरहोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुछ दिन पहले से हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिल रहा था कि हमारे क्षेत्र में जो सक्रिय दस्ता है उसका एक मेंबर है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी उसका आना जाना हो रहा है। अभी जो हम लोग गिरफ्तार किए हैं उसका सूचना हम लोगों को मिला कि वो आके रुकता है और फिर कुछ दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। इसकी सूचना हम लोगों ने सीनियर अधिकारी को दी। सीनियर अधिकारी उनके गाइडलाइन के अनुसार हमारे जो जिला के सीनियर एसपी की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग एक टीम तैयार किए, जिसमें मैं खुद था, उसके बाद हमारे पटमदा डीएसपी और थाना प्रभारी एमजीएम और उसके बाद साइड की जो टीम थी उसको हम लोग एक टीम गठन करके हम लोग उस क्षेत्र को, जो छोटा बाकी जगह है उसमें वो आता था, उस क्षेत्र को हम लोग घेराबंदी किए। उसके बाद सर्च किए तो हम लोगों को ये जो प्योन बिरहोर नाम का जो सक्रिय मेंबर है इस क्षेत्र का नक्सल दस्ता का, तो उसको हम लोग गिरफ्तार किए। जमशेदपुर के सांची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सुरक्षा चाक चौबंद होगी। जिले के एसएसपी एम तमिलवरन के निर्देश के बाद एक एएसआई, एक हवलदार सहित 4 जवानों की अस्पताल में तैनाती की गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल में मरीजों की भीड़ काफी अधिक होने लगी है। इसके अलावा अस्पताल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी आम हो गया है, जो आए दिन किसी न किसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। वहीं अस्पताल से कोरोना के मरीज भागने के बाद अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। वैसे अस्पताल में आए दिन अव्यवस्था का जो आलम देखा जाता है, इन जवानों की तैनाती से उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। हाँ, ये अस्पताल में हमेशा विधि व्यवस्था की परेशानी रहती है और इसी के मद्देनजर जो यहाँ के एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब, उन्हीं के पहल पे अस्पताल के लिए दिया गया है। 6 पुलिस का एक ग्रुप है। अस्पताल ड्यूटी करने के लिए एक पदाधिकारी 4 एक के फोर्स के साथ ड्यूटी एमजीएम हॉस्पिटल में मिला है। करने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ। केंद्र अधीक्षक से महोदय से बातचीत करने पर बताया कि व्यवस्था कर दिया जाएगा।
दुमका पुलिस लाइन में कोरोना संक्रमित मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट, उपायुक्त सहित पुलिस अधीक्षक टीम पहुंची दुमका पुलिस लाइन। आपको बता दें कि उपायुक्त राजेश्वरी बी ने पुलिस लाइन में दो जवानों को कोविड 19 से संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का मूवमेंट हो रहा है, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन लगातार नजर रख रही है। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि बिना मास्क के एवं अनावश्यक घर से बाहर न निकले। हम लोग अभी पुलिस लाइन में आए हुए हैं, यहाँ पे दो जवान का पॉजिटिव केस हमारे कल के रिजल्ट में निकला हुआ है, तो हम लोग क्षेत्र को सर्वे कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जिनके लोगों का मूवमेंट भी हो रहा है, ई पास लेके बाहरी राज्य से भी लोग लगातार आ रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इसका निगरानी किया जा रहा है और इनका जाँच भी प्रक्रिया में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये अपील करूंगी हमारे पब्लिक से, दुमका के जनता से, कि कोरोना से बचाव उनके ही हाथों में है। पिछले दिनों दो पत्रकार के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सभी पत्रकारों ने स्वेच्छापूर्वक अपना अपना स्वैब जांच के लिए आगे आकर जिला प्रशासन को मदद का हाथ आगे बढ़ाया। विगत रविवार को जिले के कुल 93 पत्रकारों ने स्वैब जांच कराया। जांच रिपोर्ट में 23 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव आने पर मंगलवार की देर रात को सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में व्यवस्था में भारी कमी देख पत्रकारों की नाराजगी बढ़ गई। इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत उपायुक्त से की गई, जिस पर उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। पत्रकारों का मानना है कि काफी विरोध के बाद साफ सफाई, भोजन आदि की व्यवस्था में बदलाव जरूर हुआ, पर किसी खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का स्वाब जांच लिया गया था 5 तारीख को, उसके बाद हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों का रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव है तो उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोगों का स्वाब जांच आया, दूसरे दिन, उस दिन छोड़ दीजिए, उस दिन तो नेगेटिव बोला गया, दूसरे दिन स्वाब जांच आया, वो दिन बोला गया कि कुछ पत्रकार पॉजिटिव हैं, जैसे 4 पत्रकार। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली गई, 23 पत्रकार टोटल इन्फेक्टेड हो गए। यहाँ आने के बाद हम लोगों को बोला गया कि भैया आप लोगों का जो फैमिली का स्वाब जांच होगा वो घर से लिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा बोला गया था कि आप लोगों का फैमिली का जाँच जो होगा वो घर में होगा, लेकिन जिला प्रशासन और यहाँ सिविल सर्जन के द्वारा, ठीक है, तालमेल और सामंजस्य नहीं है, इस कारण हम लोगों के परिवारों को उठा करके पीएमसीएच लाया जा रहा है और जबरन परेशानी में डाला जा रहा है। जबकि इसको लेकर के हेमंत सोरेन को और सीएम हेमंत सोरेन को और बन्ना गुप्ता जी को, मंत्री को ट्वीट भी किया है हमने, लेकिन कोई जवाब नहीं है। उपायुक्त महोदय से सवाल जवाब भी किया जा रहा है, लेकिन उनसे भी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही। पिछले 10 साल पहले पोर्ट का जल मीनार का निर्माण पेयजल की समस्या को देखते हुए किया गया था निर्माण, आज भी आधा अधूरा है। वहीं ग्रामीणों की जल समस्या को देखते हुए जल मीनार से पानी लोगों के घरों में छोड़ा गया। योजना में सभी के घर घर पानी पहुंचाना था, मगर वह आज तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं पीएचडी विभाग द्वारा इस जल मीनार को एक बैठक कर ग्रामीणों के बीच सौंपना चाहते हैं। जल मीनार विगत 10 वर्ष पहले बना, ग्रामीणों के सहयोग से इसको चालू भी कर लिया गया, लेकिन दुखद बात है कि ये पानी टंकी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका 4 दीवारी अधूरा है, जहाँ तक गांव में पाइप बिछना था वो भी नहीं बिछा है। सभी पदाधिकारियों का खामियों की वजह से काम अधूरा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जो पेयजल विभाग के जो इंजीनियर है वो साठगांठ करके ग्रामीणों को, कुछ लोगों को लेकर, कुछ मुखियाओं को लेकर उसको ग्रामीणों को सौंपने का काम करने में लगे हुए हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि ये पेयजल टंकी जो है अधूरा है, इसको पूरा किया जाए, जहाँ जहाँ टंकी पाइप नहीं बिछा हुआ बिछाया जाए। एक ड्राइवर का बेटा कोल्हान टॉपर होने का गौरव प्राप्त किए हैं। राजेश हांसदा ने 95.7% मार्क्स लाकर अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिए। राजेश हांसदा ने 479 अंक प्राप्त कर पूरे कोल्हान में पहला स्थान प्राप्त किए हैं। झारखंड सरकार ने 10वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। राजेश के पिता एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर और वे बस चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। बुधवार को जब रिजल्ट जारी हुआ और पता चला कि विश्वनाथ हांसदा के पुत्र राजेश हांसदा ने कोल्हान टॉपर बने, तो पिता और पुत्र दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे, बहुत ही गरीब स्टूडेंट है। इनका पिताजी एक साधारण प्राइवेट ड्राइवर है, माँ हाउस वाइफ है, पटंदा के रहने वाले, बड़ाम ब्लॉक के। और लड़का बहुत ही शांत, गरीब, बहुत ही अच्छे लड़का है। और लड़का जो है ये कोल्हान टॉपर हुआ है। बॉयज हॉस्टल है और
इसी हॉस्टल में बॉयज गर्ल्स दोनों रहते हैं, अलग अलग हम लोगों को स्टे करके रखते हैं। हमारे कुछ टीचर लोग हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, और हर साल रिजल्ट हमारा हॉस्टल का या स्कूल का बहुत ही अच्छा आता है। मैट्रिक का परीक्षा फल इंटरनेट में देने के बाद छात्रों में अपने परीक्षा फल जानने की काफी उत्साह देखी गई। वहीं राजनगर प्रखंड क्षेत्र में खैरबनी गांव के बाबूलाल प्रधान का बेटा सहदेव प्रधान राजनगर प्रखंड में सेकंड टॉपर के रूप में उभरे हैं, जो 91.40% और कुल 457 अंक लाकर प्रखंड के सेकंड टॉपर बनकर प्रखंड और गोप बंधु उच्च विद्यालय हमंदा का नाम रोशन किया है। वह उनके पिता बाबूलाल प्रधान जो एक गरीब किसान है, बेटे के रिजल्ट जानने के बाद पिता की आंख में खुशी के आंसू छलकने लगे। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। जो तबीयत खराब था, तबीयत के चलते वो ठीक से लिख नहीं पाए, और अब थोड़ा बहुत भी नंबर ला सकता था, बच्चा पढ़ता, क्या करें, क्या मतलब है। ख्वाहिश है कि आर्मी बनने का, तो उसका जो ख्वाहिश है वो कर भी सकता तो ठीक ही है जी। मेरा भाई बहुत मेहनत किया इस मुकाम को पाने के लिए, सेकंड पोजीशन पे आया। अच्छा लगा सुन के कि 91% लाया है। एक शौक है मेरा आर्मी ऑफिसर में जाने का, चलिए। हाँ सर, ये मेरा है और थैंक यू। परसुड़ी थाना जाए एक सामाजिक संस्था जो पशुओं के लिए काम करती है, उसने एक वाहन मालिक पर FIR दर्ज किया है, और ये FIR सिर्फ मालिक पर ही नहीं गाड़ी पर भी किया गया है, जिसमें संस्थान साफ शब्दों में लिखा है कि प्रमोद नगर खड़िया बस्ती के समीप तेज गति से आ रही है एक गाड़ी ने एक आवारा कुत्ते को कुचलने की कोशिश की। उधर इस मामले में मालिक और गाड़ी पर FIR दर्ज किया गया। वैसे यह अपने आप में इस थाने के लिए नायाब है। खैर, आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जामताड़ा द्वारा समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन सभागार में ODF प्लस बेसलाइन असेसमेंट विषय पर जिला स्तरीय रिसोर्स पूल टीम का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन DC गणेश कुमार ने किया। इस दौरान DDC नागेंद्र कुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी सहियाओं और सेविकाओं को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त ने कहा कि आप सभी अपने अपने गांव एवं क्षेत्र के बारे में भलीभांति परिचित हैं। इस सर्वे को एक सरकारी दायित्व न समझे, बल्कि इसे सामाजिक दायित्व समझे एवं पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ सर्वे का कार्य संपन्न करें, क्योंकि सर्वे के दौरान जो निकल कर आएगा उसी आधार पर आगे की योजना तैयार की जाएगी। ODF प्लस से संबंधित आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विदित है कि पूर्व में खुले में शौच से संबंधित सभी जगह योजना पूरा किया जा चुका है, और सभी गाँवों को ODF का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे ठोस अपशिष्ट के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में जो भी गंदगी रहती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे संबंधित संरचना जो अभी वर्तमान में अवस्थित है उसका सर्वे करना है, और उसका सर्वे करने के बाद जब वो पूरा सर्वे पूर्ण हो जाएगा तब कार्य योजना सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार हम लोग तय करेंगे। अभी ODF प्लस से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ते देखकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस दौरान CTSP सुभाष चंद्र जाट, SDO चंदन कुमार, ADM और JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने गुरुवार शाम को सांची बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। उधर उन्होंने बाजार के सभी दुकानदारों को समझाया कि वे सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और दुकानों के बाहर भीड़ न लगवाए। उधर बाजार में घूम रहे मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में सभी को समझाकर थाने से ही जमानत दे दी गई। जो अनावश्यक मार्केट में घूम रहे हैं उनके खिलाफ मैं ADM साहब, SDO साहब, यहाँ स्पेशल ऑफिसर, हमारे थाना प्रभारी, ये सब लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि जो लोग सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लगा हुआ है और कुछ लोग ऐसे वायलेट कर रहे हैं, ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि जरूर पालन करें, लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत खतरनाक चीज़ है।